बात करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। राजधानी जयपुर से बड़ी खबर है, जहां पर कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की आज बैठक होनी है। चार संभाग के नेताओं से आज चर्चा होगी, जिसमें भरतपुर, जोधपुर, कोटा, पाली के नेताओं के साथ आज वन टू वन चर्चा की जाएगी। टिकट वितरण पर कमेटी रायशुमारी करेगी। कल भी रायशुमारी का दौर देर रात तक चला था, आज फिर बैठकों का दौर है। गौरव गोगोई वन टू वन संवाद करेंगे तमाम नेताओं के साथ, अलग अलग संभागों के। चार संभाग के नेताओं से आज मुलाकात होगी, वन टू वन संवाद होगा। राजधानी जयपुर में लगातार कांग्रेस के खेमे में भी मंथन जारी है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी बाबूलाल धायल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सीधा बाबूलाल का रुख कर लेते हैं, और लगातार जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के भीतर मंथन का, चर्चाओं का दौर है, बाबूलाल आज क्या कुछ होना है? कल भी चर्चा का दौर चला था, अलग अलग संभाग के नेताओं के साथ वन टू वन गौरव गोगोई ने किया था, आज क्या क्या होना है, किन किन लोगों के साथ संवाद होगा? जी देखिएगा, रायशुमारी का आज तीसरा दिन है, वन टू वन संवाद जारी रहेगा। भरतपुर संभाग से शुरुआत होगी। सबसे पहले भरतपुर संभाग में पिछली मरतबा बीजेपी का सूपड़ा साफ हो गया था, मुश्किल से एक सीट आई थी और वो भी बीजेपी से निष्कासित हो गई है। शोभा रानी कुशवाहा चुनाव जीत करके आई थी धौलपुर से, तो इस बार करिश्मे की फिर से उम्मीद कर रही है कांग्रेस पार्टी। और सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस वहां पर अपना मजबूत जनाधार बचाए रखना चाहती है, इसलिए वहां पर जो भी डिमांड्स थी लोगों की वो भी पूरी करने की कोशिश की गई है। मेरे साथ में गंगापुर सिटी के निर्दलीय विधायक रामकेश मीणा हैं, जो यानी कि बहुत लोकप्रिय थे अपने इलाके में, और अपने यानी कि कस्बे को, अपने विधानसभा को इन्होंने जिला तक बनवा लिया है। रामकेश मीणा जी, जिला बना दिया, इस बार क्या जीत की गारंटी मिल गई आपको? जीत की गारंटी कुछ होती नहीं है धायल साहब, लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूं कि जो सरकार की योजनाएं हैं, जो नीतियां हैं, और आदरणीय जो गहलोत साहब ने अभी जो काम किए हैं इस दौरान, उससे न केवल गंगापुर वरन पूर्वी राजस्थान का हम कह सकते हैं कि पूरी तरीके से कांग्रेस जो है फ्रंट में है, और कांग्रेस जीत करके आएगी। जिस तरीके से पिछली बार बीजेपी का सुपड़ा साफ हुआ था, उससे भी बुरी हालत बीजेपी की होने वाली है। पिछली बार आपको टिकट नहीं मिला, निर्दलीय आपने मैदान में दमखम दिखाया, जीत गए, इस बार आप कांग्रेस की टिकट ही क्यों चाह रहे हैं? टिकट हम लोगों ने पिछली बार भी चाहा था, किसी किन्हीं कारणों से टिकट नहीं मिला। हम जीत करके आए और फिर हमने कांग्रेस को समर्थन दिया। हम कांग्रेस पृष्ठभूमि के लोग हैं और कांग्रेस के साथ ही अब रहेंगे, पहले भी रहे। इस बार हम लोग कांग्रेस का टिकट इसलिए चाहते हैं कि कांग्रेस ने जो काम किए हैं वो ऐतिहासिक काम है, वर्षों तक लोग याद रखेंगे, और विशेष रूप से पूर्वी राजस्थान में तो आज की तारीख में बीजेपी बिल्कुल सरेंडर की हुई है। आपने अभी, मैं आपको बताऊं कि अभी अमित शाह आए थे और गजेंद्र सिंह शेखावत आए अभी चार दिन पहले। ईआरसीपी का बड़ा मुद्दा, आपको लगता है कि इसको आप जन आंदोलन बना करके वोट लोगों को लुभाने की कोशिश करेंगे? 100% ईआरसीपी का बड़ा मुद्दा है, और पूर्वी राजस्थान के पेयजल और सिंचाई के लिए बड़ा मुद्दा है, इसको भी मुद्दा बनाएंगे, और सरकार के जो काम है उनको मुद्दा बनाएंगे। तो क्या जिला जो है आपको चुनाव जितवा देगा? जिले से मतलब नहीं है, जिले के अलावा अशोक गहलोत साहब ने जो योजनाएं बनाई हैं, वो योजनाएं घर घर तक पहुंची है, और कांग्रेस को लोग बहुत अप्रिसिएट कर रहे हैं। पूरी तरीके से मैदान से बाहर है बीजेपी पूर्वी राजस्थान में इस बार। आप कह रहे हैं कि मैदान से बाहर है बीजेपी, एंटी इनकम्बेंसी किस तरह से फेस करेगी पार्टी? और जो कांग्रेस से जो चुनाव लड़ा था वो भी मैदान में आएगा, तो कैसे उसका टिकट कटेगा और आपको टिकट मिलेगा? आप देखिए, एंटी इनकम्बेंसी का कहीं कोई नामो निशान नहीं है। अमित शाह जी ने अभी सभा की थी, वो तो देश के गृह मंत्री हैं। अभी गंगापुर में उन्होंने सभा की, गंगापुर में सभा में 1,00,000 लोगों के आने का जो है दावा किया जा रहा था, और पहुंचे नहीं वहां पर 10,000 लोग भी। एक और जिलावीर मेरे पास में मौजूद है, गंगापुर को जिला इन्होंने बनवा, रामकेश मीणा ने, और दूध अकेली विधानसभा है जहां पर जिला बन गया, बाबूलाल नागर मेरे साथ में। बाबूलाल नागर, अकेली विधानसभा को जिला बनवा दिया, जीत की गारंटी मिल गई आपको? देखिए, मेरे लिए ये कोई प्रश्न नहीं है कि दूधू विधानसभा से जीत की गारंटी मिल गई। अरे भाई, दूधू तो वो विधानसभा है, 1952 में जब देश में पहला चुनाव हुआ था, आज 2023 है, पहले सामान्य सीट थी, वहाँ कोई किसी भी राजनीतिक पार्टी का, किसी भी जाति का व्यक्ति कभी दोबारा विधायक निर्वाचित नहीं हो गया है। मैंने तो 4 बार चुनाव लड़ा, 4 बार वहाँ चुनाव जीता हूँ,
तो ये बताइएगा, कांग्रेस हारी थी, आपका टिकट कटा था, इस बार कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि हमें टिकट दीजिए, तो आप टिकट मांग रहे तो किस तरह से उसका पता कटेगा और आपको टिकट मिलेगा? मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, कांग्रेस को जिताने के लिए तो मैंने चुनाव लड़ा है, क्योंकि अगर बाबूलाल नगर चुनाव नहीं लड़ता तो वहाँ भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार जीतता। कांग्रेस गलत टिकट वितरण हो गए थे, गलत निर्णय हो गया था, दूध के लोगों ने मुझे मजबूर किया और उस निर्णय को उन्होंने ठीक किया और ऐसे मुझे जबरदस्ती मजबूर करके मुझे चुनाव लड़ाया। कांग्रेस के उम्मीदवार के तो बेचारे की जमान जब्त हो गई थी, 52,000 वोट तो मेरे से पीछे था। आज मैं चुनाव नहीं लड़ता तो वहाँ भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार होता, मैं कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरी उपस्थिति में दूध विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार जीते। और मैं आपसे और कहना चाह रहा हूँ, ये तो अनुसूचित जाति की सीट है, आज हिंदुस्तान में कोई आदमी लेकर आ जाओ अब वहाँ दूध में तो बाबूलाल नगर को चुनाव जीतना है। सीएम के सलाहकार हैं, सलाह क्या देने वाले हैं? भीतर जब आप स्क्रीनिंग कमेटी के सामने होंगे तो सूबे में सरकार रिपीट हो कांग्रेस की, तो इसके लिए कुछ है आपके दिलो दिमाग में? देखिए, मैं जितने भी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं उनसे एक ही बात कहता हूँ, अपने पराये की बात को बंद करो। आज आप सर्वे करवा रहे हो, 5-5, 6-6 सर्वे आपने करवा लिए, सब सर्वे में जो कॉमन नाम आए ये मत देखो कि ये मेरे नजदीक है या मेरे खिलाफ है व्यक्तिगत रूप से, उस आदमी को मैदान में उतारो जिसका कॉमन नाम है। जीतने वाला व्यक्ति अगर मैदान में उतरेगा तो मेरा दावा है राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने जो इस सरकार में इस कार्यकाल में जो ऐतिहासिक निर्णय किए हैं, जो कोरोना लंपी अंदर तूफान से जो मुकाबला किया है और जो विकास के कार्य किए हैं, राजस्थान में सरकार कांग्रेस की बनेगी। आपको लगता है इतना काम आपने कराया, जिला बना दिया, तो आपको लगता है कि जनता आशीर्वाद दे देगी, चाहे पार्टी टिकट दे या ना दे, बाबूलाल नगर अपने नाम पर अपने काम पर चुनाव जीत जाएंगे? मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, कांग्रेस बाबूलाल नगर की माँ है, आपको पता नहीं है? जब नामांकन निर्दलीय के रूप में भर रहा था तब भी मैंने कहा था कांग्रेस मेरी माँ है, मुझे इतनी मदद करो कि मैं मेरी माँ से मिल जाऊं। तो बाबूलाल नागर का तो कांग्रेस से चोली दामन का साथ है। जिस व्यक्ति के निर्वाचन क्षेत्र में मुझे विधायक के रूप में 3 बार सोनिया गांधी मेरे आ गई, 2 बार दूदू में आ गई, 1 बार मैं कांग्रेस का सेवा दल का अध्यक्ष था, एक ट्रेनिंग कैंप हुआ था सेवा दल ने, रात्रि सोनिया जी ने रात्रि प्रवास किया था, वहाँ 2 दिन वहाँ ठहरी थी। मुझे टिकट मिलने पर फिर से इमोशनल कार्ड खेला जाएगा बाबूलाल नागर की ओर से? मैं आपसे फिर कहना चाह रहा हूँ, बाबूलाल नागर तो इस जयपुर जिले में जहाँ जहाँ इसका बस्तर पड़ सकता है। बिल्कुल बाबूलाल, चले बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, नजर बनाए रखिये और लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। आज 4 संभागों के नेताओं के साथ 1-to-1 है, हमारी नजर रहेगी। वहीं इसी बीच कोटा टोंक से बड़ी खबर है, टोंक के मालपुरा से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर महंत सियाराम दास बाबा की हत्या कर दी गई है। डिग्गी में महंत की हत्या से सनसनी फैल गई है। भूरिया महादेव मंदिर में बाबा सियाराम दास का शव मिला है। डिग्गी थाना पुलिस मौके पर है, पुलिस एफएसएल की टीम को मौके पर बुला चुकी है। वहीं मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा है। ये टोंक के मालपुरा से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। डिग्गी में महंत की हत्या से सनसनी है और इसी बीच तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, लोगों में आक्रोश है। टोंक के मालपुरा से बड़ी खबर, महंत सियाराम दास बाबा की हत्या पर लोगों में आक्रोश है। डिग्गी महंत की हत्या से सनसनी फैल गई है। बड़ी जानकारी, पुलिस फिलहाल मौके पर पहुंची है, तफ्तीश की जा रही है, जांच के बाद ही साफ हो पाएगा कि आखिरकार किसने हत्या की है। कुछ दिनों पहले ही कुचामन के इलाके में भी एक महंत की हत्या कर दी गई थी और अब डिग्गी में यह हत्या का मामला सामने आया है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी दौलत पारिक फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दौलत, क्या जानकारी है, डिग्गी महंत की हत्या कर दी गई है? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा, डिग्गी जो कस्बा है, इस कस्बे से बाहरी इलाके में ये भूरिया महादेव आश्रम है, मंदिर भी है यहाँ पर, और ये बाबा यहाँ रहा करते थे और 90 साल से ज्यादा उम्र की है इनकी उम्र बाबा की, और पिछले लगभग 50 सालों से यहीं ये रह रहे हैं। सुबह इनके हत्या का जब मामला सामने आया तो उसके बाद में इलाके में एक तरह से देखा जाए तो सनसनी सा माहौल है। जो पुलिस के अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंचे, सबसे पहले डिग्गी थाने के पुलिस के जो जवान है वो पहुंचे, उसके बाद एडिशनल एसपी पुष्पेंद्र सिंह और सीओ जो है मालपुरा वो मौके पर पहुंचे। बड़ी तादाद में खून है वो
उस आश्रम के जो बाबा है बाबा के आसपास मिला है, तो हत्या का मामला सामने आ रहा है। लेकिन बता दूं कि इस आश्रम में पहले दो बार चोरी हो चुकी है, तो संभवतया अगर देखा जाए तो सबसे पहला तो मामला यही सामने आता कि चोरी के इरादे से कोई यहाँ आया था, आया होगा और ये हत्या हुई होगी। लेकिन हालांकि पुलिस ने अब एफएसएल की टीम को मौके पर बुलाया है, एमआईयू जो टीम होती है इनकी तकनीकी तौर पे वो मौके पर है, साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। पुलिस क्या कह रही है प्राथमिक तौर पर अब तक जो तथ्य सामने आया दौलत? पुलिस अभी किसी तरह का कुछ भी कहने के लिए बच रही है। हालांकि चोरियां जो है, चोरी बहुत बड़ा इश्यू टोंक जिले में है कि चोरियों की घटनाओं को पुलिस कभी भी सीरियस नहीं लेती है और अपराध की पहली सीढ़ी होती है चोरी, चोरी को सीरियस नहीं। राजधानी जयपुर से बड़ी खबर है, पुलिस कांस्टेबल ने खुदकुशी कर ली। बनीपाक थाने के पुलिस कांस्टेबल ने खुदकुशी की है। राजावास स्थित घर पर देर रात को फांसी का फंदा लगा करके आत्महत्या कर ली। मंगलचंद सैनी मृत कांस्टेबल का नाम बताया जा रहा है। बड़ी जानकारी राजधानी जयपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सबसे पहले सबसे तेज न्यूज 18 राजस्थान पर। बनीपार्क थाने के पुलिस कांस्टेबल ने खुदकुशी की है। राजावास स्थित घर पर देर रात को फांसी का फंदा लगा करके इसने आत्महत्या कर ली। मंगलचंद सैनी नाम बताया जा रहा है कांस्टेबल का, जिसकी अब मौत हो गई है। तो बनीपार्क थाने के पुलिसकर्मी ने खुदकुशी की है। ये पुलिसकर्मी अपनी आवास पर थे, देर रात को उन्होंने वहीं पर फांसी का फंदा लगा करके अपनी जान दे दी। हालांकि खुदकुशी के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है, क्या आखिरकार वजह थी आत्महत्या के पीछे जो इस तरह से उनको अपनी जान देने पड़ी। राजावास स्थित अपने घर में थे और इसी दौरान जानकारी मिली कि देर रात तक उन्होंने फांसी का फंदा लगा करके जान दे दी। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी विष्णु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विष्णु, एक पुलिसकर्मी के सुसाइड की खबर है, क्या जानकारी है इसे लेकर आपके पास? देखिए, बिल्कुल, रक्षाबंधन के दिन कांस्टेबल की जो मौत की खबर है, खुदकुशी की खबर ने पूरे जयपुर शहर की पुलिस को हैरान कर दिया, दुख भरा माहौल है। और बता दें कि मंगलचंद सैनी पुलिस कांस्टेबल बनीपाल थाने में पदस्थापित थे, करीब 50 वर्ष उनकी उम्र थी और 3 सितंबर को ही बेटे की शादी होने वाली थी, ऐसा भी बताया जा रहा है। और इस बीच कल राजावास स्थित जहां पर वे अपने परिवार के साथ रहते थे, वहां पर पुलिस कांस्टेबल मंगलचंद सैनी ने फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। और अब तक मौत की जो खुदकुशी की वजह है वो साफ नहीं हो सकी, लेकिन ये जरूर बताया जा रहा है कि वे काफी समय से डिप्रेशन में थे और डिप्रेशन का शिकार उसकी वजह क्या थी, क्या छुट्टी उसकी वजह थी या फिर कुछ और, कोई आर्थिक कोई जो कर्ज होता है वो उसकी वजह थी, इसकी जांच पुलिस करने में जुटी हुई है। पूरे मामले की जांच दौलतपुरा इंचार्ज को सौंपी गई है। फिलहाल मंगलचंद सैनी के पोस्ट शव का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है, उनके परिजनों को सूचना दे दी है। चूंकि कल खुदकुशी के वक्त मंगलचंद सैनी अपने घर पर अकेले थे, उनके परिवार के लोग रक्षाबंधन के दिन अपने गांव उदयपुर वाटी गए हुए थे। जी विष्णु, क्या थाने से छुट्टी पर थे, कब से छुट्टी पर चल रहे थे? देखिए, अभी तक यही जानकारी हमें सामने आया कि ड्यूटी पर थे, उसके बाद अपने घर चले गए। राजावास जो कि हरमाड़ा थाना इलाके में आता है, वहां चले गए। वहां जाने के बाद ही जब वे घर पर अकेले थे तो वहां फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली है। लेकिन जो परिवार है वो रक्षाबंधन पर घर गया हुआ था। लेकिन बताया जा रहा है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, नजर बनाए रखिए, लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच कोटा से बड़ी खबर है, जहां पर कोचिंग स्टूडेंट के सुसाइड मामले को लेकर के सबसे बड़ी अपडेट हम आपको बता दें। सुसाइड के मामलों को लेकर के अब 3 मनोचिकित्सकों की एक टीम बनाई गई है। राज्य सरकार के निर्देश पर 3 मनोचिकित्सकों की टीम का गठन किया गया है, जो अगले 2 दिनों में जांच करके अपनी रिपोर्ट सौंपेंगी। 31 अगस्त और 1 सितंबर को टीम कोटा में सुसाइड पर रिसर्च करेगी। कोटा में सुसाइड के कारण जान करके सरकार को रिपोर्ट भेजी जाएगी, जिसके बाद सरकार अगला कदम उठाएगी। फिलहाल कोचिंग स्टूडेंट के सुसाइड के मामलों से कोचिंग सिटी चिंतित है पूरी तरह से और सरकार भी इसे लेकर कदम उठा रही है। करेंगे बीकानेर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मिल रही है, बीएसएफ के जवान की मौत होने की जानकारी सामने आ रही है। भारत पाक बॉर्डर पर ये जवान तैनात थे और बीएसएफ जवान की मौत हुई है। सीमा पर तैनात जवान की डेंगू की वजह से मौत होने की जानकारी मिल रही है। खाजोवाला में प्राथमिक उपचार के बाद कल बीकानेर रेफर किया गया था और बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में उपचार के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। अलीगढ़ निवासी सूरज सिंह खाजोवाला बॉर्डर पर तैनात थे। मृतक जवान के परिजनों को इसे लेकर सूचना दे दी गई है। बीएसएफ के जवान का आज पोस्टमार्टम किया जाएगा। ये बड़ी अपडेट है। डेंगू के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और डेंगू का शिकार हुए हैं बीएसएफ के जवान।
और इसी के चलते उनकी मौत होने की जानकारी सामने आ रही है। उन्हें डेंगू हुआ था जिसके बाद उन्हें प्राथमिक चिकित्सा दी गई थी खाजवाला के अस्पताल में, वहां से उन्हें पीबीएम रेफर किया गया था और पीबीएम में इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। विक्रम जगरवाल हमारे सहयोगी फोनलाइन पर हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विक्रम, क्या जानकारी है, बीएसएफ के एक जवान की डेंगू से मौत हुई है? जी बिल्कुल, जो ये जवान है ये खाजूवाला में पोस्टेड था और अभी कुछ दिन पहले ही जो है वो दिल्ली से यहाँ खाजूवाला में पोस्ट कराया था और इस जो है डेंगू के कारण ये बीमार हो गया था। उसका प्राथमिक उपचार जो है वो खाजूवाला की सीएचसी पे किया गया था और कल जो है इस जवान को तबीयत बिगड़ने के बाद बीकानेर के पीबीएम अस्पताल किया रेफर किया गया था, जहाँ उपचार के दौरान इसकी मौत हो गई है। फिलहाल जो है जवान के परिजनों को इसकी सूचना दे दी गई है और आज जो है वो जवान का पोस्टमार्टम करके सब परिजनों को सौंपा जाएगा। जी विक्रम, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो एक जवान की डेंगू से मौत होने की जानकारी सामने आई है, दिल्ली से जवान आया था। और आगे बढ़ेंगे, स्टूडेंट सुसाइड से सहमे कोटा में अब डेंगू ने अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया है। पिछले कुछ दिनों में 150 से ज्यादा कोचिंग स्टूडेंट डेंगू की चपेट में आ चुके हैं, जबकि डेंगू से 3 की मौत भी हो चुकी है। कोटा में डेंगू के लगातार बढ़ते केसेस को देखते हुए चिकित्सा विभाग की टीम कोटा कोचिंग इलाके में डोर टू डोर सर्वे कर रही है, लार्वा एक्टिविटीज की जा रही है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि कोचिंग इलाके में करीब 200 से ज्यादा हॉस्टल में बड़ी बड़ी इमारतों में लगे कूलर की सफाई करवा करके उनके लार्वा खत्म करना एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। इसे लेकर के स्कूली छात्र छात्राएं भी जागरूकता फैला रही हैं और इसे लेकर के एक रैली भी निकाली गई जिसमें लोगों को जागरूक किया गया कि कैसे आखिरकार जो डेंगू के लार्वा हैं उनको नष्ट करना है। कहीं पर भी पानी जमा नहीं होने दें, चाहे वो छत के ऊपर हो या फिर कूलर के पानी, उनको बदलते रहें। और जवान का जो एरिया है वहाँ पर ज़्यादा डेंगू फैल रहा है क्योंकि वहाँ पर पीजी बहुत ज़्यादा है उस क्षेत्र के अंदर, और पीजी में आमतौर पर देखा है कि कूलर जो जहाँ रखे गए हैं उनकी हाइट बहुत ज़्यादा है, तो निश्चित तौर पर जो ऊपर कूलर जिस तरह से लगाए गए हैं स्टैंड्स के ऊपर कूलरों की सफाई नहीं हो पाती है। तो इस तरह के एक डायरेक्शन हम लोगों को मिले कि जो हाइट पर कूलर रखे हुए हैं तो उनको सुखाकर उनकी सफाई करके दोबारा पानी भरें। तो इस तरह के जो भी निर्देश हम लोगों को दिए गए हैं मैं ऑस्ट्रेलेशन द्वारा उन सभी लोगों तक ये मैसेज पहुंचा दूंगा और उम्मीद करता हूं कि वो जो इस तरह की बीमारी फैल रही है उसमें रोकथाम हम लोग किस तरह से करें इस पर हम लोग चिंतन करेंगे और आगे भी इस बारे में हम लोग बात करेंगे कि हॉस्टल व्यवसायियों के अलावा भी प्रशासन जो अनदेखी करता है, नगर निगम जो अनदेखी कर रहा है, उसकी वजह से आज इनका कहना था कि तलमंडी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा डेंगू फैल रहा है। हमने उनको बताया कि जवाहर नगर में नालियाँ इतनी जाम हो रही है जिनका पानी सड़कों पर 6-6 इंच पानी तीनों गलियों की सड़कों पे, यहाँ करीब 150 हॉस्टल है। तो आज देश भर के साथ ही प्रदेश भर में भी रक्षाबंधन के पर्व की धूम है और बहनें अपने भाइयों को राखी बांध रही है। वहीं जयपुर के सिंधी कैंप बस स्टैंड पर रक्षाबंधन की रौनक देखने को मिल रही है। सिंधी कैंप पर महिलाओं की भारी भीड़ देखी जा सकती है आज सुबह से ही, और ये तस्वीरें हैं राजधानी जयपुर के सबसे बड़े बस स्टैंड सिंधी कैंप बस स्टैंड की, जहां पर आज महिलाओं की बड़ी तादाद देखी जा रही है। यहां महिलाओं को रोडवेज में आज फ्री सफर की सौगात दी गई है राजस्थान सरकार की ओर से, सीएम अशोक गहलोत की ओर से, और साधारण और एक्सप्रेस बसों में महिलाएं आज दिन भर फ्री सफर कर पाएंगी। और अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी देंगे और इसके लिए हमारे साथ राजधानी जयपुर से आसिफ जुड़ रहे हैं और साथ ही साथ दीपक पुरी हैं भरतपुर से। सबसे पहले आसिफ का रुख कर लेते हैं। आसिफ, जरा तस्वीरें दिखाइए, बताइए कि सिंधी कैंप पर किस तरह की रौनक है। आज रक्षाबंधन का त्यौहार है और सरकार ने महिलाओं को सौगात दी रोडवेज बसों में फ्री यात्रा की। बड़ा बस डिपो है और सबसे ज्यादा बसों का आवागमन यहाँ पर होता है। कुछ तस्वीरें दिखाता हूँ सबसे पहले आपको, महिलाओं की लंबी लंबी कतारें लगी है, आप देख सकते हैं टिकट विंडो के ऊपर ये महिलाओं की लाइन है। और इसके साथ ही आज जो है वो खासी तादाद के अंदर जो बहनें हैं वो अपने भाइयों को राखी बांधने जा रही है। कुछ बद इंतजामिया भी हैं, कुछ अव्यवस्थाएं भी यहाँ पर हुई हैं, चूंकि एक साथ इतना सैलाब जो है वो उमड़ पड़ा है जिसके चलते जो है वो इतनी सारी बद इंतजामिया यहाँ पर हुई हैं। कुछ महिलाओं से भी बात करने की कोशिश करते हैं। आप कतार में क्यों खड़ी है मैडम, जब आपको फ्री है टिकट?
तो लाइन से ही मिल रही है ना टिकट, इसलिए। तो आज आप फ्री यात्रा कर रही है? हाँ जी, हाफ टिकट लगेगी, दिल्ली जा रही है। अच्छा, आपको हाफ टिकट चूंकि दिल्ली जा रही है इसलिए दिल्ली का किराया लगेगा। आपको भी आज जो है वो फ्री टिकट मिल रही है? फ्री नहीं, आपकी गेट है दिल्ली का। अच्छा, आप भी दिल्ली जा रही है। और हमारे साथ कुछ जो है वो नौजवान लड़कियां भी हैं। आज आप राखी बांधने के लिए जा रही हैं? नहीं, नानी से मिलने जा रहे हैं। अच्छा, तो आज आपको फ्री यात्रा है सरकार की तरफ से? अभी तो पता नहीं, अब जाएंगे टिकट देखेंगे पता चलेगा। आज राखी के दिन महिलाओं को फ्री किया गया है। हाँ, ये कैसा तो है। सरकार की तरफ से कैसा लगा आपको ये? अभी तो कुछ लगा नहीं, देखो इतनी भीड़ के अंदर खड़े हैं। ये भीड़ यहाँ पर हेमंत बहुत ज्यादा, और इस भीड़ को लेकर जो है यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से भी बात करने की कोशिश करते हैं कि धर्मपाल जी, यहाँ पर भीड़ बहुत ज्यादा है। जब आपने यात्रा फ्री की हुई है तो बावजूद उसके जो है वो आप महिलाओं को टिकट बस में क्यों नहीं दे देते? महिलाओं को बस में टिकट दे देते हम, लेकिन महिलाएं झगड़ा करती हैं जी, आपस में लड़ाई करती हैं तो अव्यवस्था होती है, इसलिए हम सीट नंबर दे के महिलाओं को बैठा रहे हैं। तो साथ ही साथ कुछ ऐसी महिलाएं भी सफर कर रही हैं जो राज्य के बाहर की सीमाओं में जाती हैं, तो इसलिए भी आपने विंडो पे व्यवस्था की है टिकट लेने की? सरकार की आदेश है कि केवल राजस्थान सीमा तक ही महिलाएं फ्री हैं। राजस्थान सीमा से आगे जो भी महिलाएं जा रही हैं उनका किराया लगता है, तो उनकी टिकट दो बार नहीं कट के एक दफा कट जाए, इसलिए हमने यहाँ विंडो पे कुछ एक्स्ट्रा बसेस लगाई हैं क्योंकि आज महिलाओं की बहुत भीड़ है सिंधी कैंप। बिल्कुल, हमारे द्वारा एक्स्ट्रा बसें लगाई गई हैं। रात के 12 बजे से फ्री था, रात के 12 बजे से हम 5 आदमी यहाँ पांचों प्लेटफार्मों की व्यवस्था संभाल रहे हैं, अलग अलग सारी व्यवस्था संभाल रहे हैं, सब पर प्रॉपर बसें दे रहे हैं, महिला यात्रियों को आराम से जाएं, इसलिए उनको सीट नंबर और टिकट कटवा कर। और महिलाएं भी हेमंत हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। मैम, आप राखी पे जा रही हैं? कहाँ पर? कहाँ? मैं अपने ससुराल जा रही हूँ। अच्छा, आप अपने ससुराल जा रही है, तो आज आपको सफर फ्री है, तो गहलोत सरकार ने सफर फ्री दिया है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? गहलोत सरकार का बहुत बहुत आभार जो महिलाओं को इतना प्रेरित, महिलाओं का इतना सम्मान करते हैं, महिलाओं के बारे में इतना। लेकिन मैं ये कहूंगी कि गहलोत सरकार सिर्फ महिलाओं के बारे में नहीं सोचते, वो हर बुजुर्गों के बारे में भी और बच्चों के बारे में, सबके बारे में सोचते हैं। तो धन्यवाद। ये कुछ महिलाएं हैं जो यहाँ से सफर कर रही है हेमंत, और बहुत ऐसी महिलाएं भी मिली है जिन्होंने राज्य सरकार का आभार जताया इनका। बिल्कुल आसिफ, आप हमारे साथ बने रहिए, मैं फिर से आपका रुख करूंगा। भरतपुर से दीपक पुरी हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। दीपक का रुख कर लेते हैं। दीपक, तस्वीरें दिखाते हुए बताइए किस तरह की व्यवस्थाएं हैं। आज रक्षाबंधन का त्योहार है और जाहिर सी बात है कि बहनें अपने भाइयों को राखी बांधने के लिए बड़ी तादाद में घरों से बाहर निकली है, अलग अलग जगहों पर यात्रा कर रही हैं। रक्षाबंधन का त्यौहार है और जो बहने हैं वो अपने भाइयों को राखी बांधने के लिए जो सफर है वो कर रही है, और मैं इस वक्त लोहागढ़ जो आगार है वहाँ पर मौजूद हूँ। काफी संख्या में यहाँ पर बसों की जो व्यवस्था है वो की गई है। तस्वीरों में आप देखिए कितनी भीड़ जो है वो आपको नजर आ रही है, महिलाएं सबसे ज्यादा यहाँ पर आज नजर आ रही है, और अतिरिक्त बसों का इंतजाम यहाँ पर किया गया है। लोहागढ़ जो प्रबंधक है उनकी तरफ से पूरी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। हमारे साथ मौजूद है लोहागढ़ जो प्रबंधक है, यातायात किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं आज बड़ी संख्या में जो महिलाएं अपने भाइयों को राखी बांधने के लिए जा रही हैं? रात को 12 बजे से जो हमारी गाड़ियां आ रही हैं मोड़ों को दोबारा दूसरा स्टाफ भेज के उनको गंतव्य स्थान पर महिलाओं को भेजा जा रहा है, और जैसे ही गाड़ियां उपलब्ध हो जाती है उस रूट को काट के जिसमें इनकम कम है और महिलाओं की संख्या ज्यादा है उस पर भेज रहे हैं। कितनी अतिरिक्त बसें लगाई गई हैं? अतिरिक्त गाड़ियां हमारे पास जो भी है ना, लगभग 8 गाड़ियां हमने सुबह से अब तक अतिरिक्त भेजी है, और अब जब गाड़ियां उपलब्ध हो जाएंगी तो हर आधा घंटे में 15 मिनट में जैसी हो रही है उनको भेज रहे हैं। महिलाओं के लिए कब तक महिलाओं को फ्री रहेगा? पहले तो आज का ही दिन था, लेकिन कल 2 दिन के लिए ऊपर से आदेश आए सरकार के, तो 2 दिन फ्री। देखिए हेमंत, 2 दिन के लिए महिलाओं का जो सफर है वो फ्री किया गया है। यहाँ पर महिलाएं भी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। आप देखिए ये तस्वीर है लोहागढ़ आगार की, ये तस्वीर है जहाँ पर बड़ी संख्या में जो महिला है वो आपको नजर आएंगी, और इनसे बात करेंगे हम लगातार। इनसे जो महिला है वो बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुँच रही है, महिला यात्री है उनसे हम बात करेंगे। कहाँ से कहाँ के लिए जाएंगे? तो आज रक्षाबंधन का त्यौहार है, भाइयों के लिए राखी बांधने के लिए बड़ी संख्या में महिला जा रही है। सरकार द्वारा फ्री बस योजना जो है चलाई गई, क्या कहेंगे आप? अच्छी योजना है, क्या कहेंगे?
राखी बांधने के लिए भी जा रहे हैं आप? इसमें ये होता है कि भाई गरीब आदमी भी जा सकता है, जो अफोर्ड नहीं कर सकता वो भी जा सकता है, तो हम लोग तो जा ही रहे हैं। तो कहाँ, कोटा जा रहे हैं आप? नहीं, कोटा से आए हैं। अब कहाँ जाएंगे? अलवर जाएंगे। अलवर जाएंगे तो कोटा में क्या रहते हैं? अलवर के भाई के राखी बांधने? अलवर भाई है जी। तो और भी महिलाएं उनसे बात करेंगे। कहाँ से आए हैं? दीदी के साथ। अच्छा, दीदी के साथ राखी बांधने के लिए कोटा से आए। तो देखिए, ये कोटा से आए हैं और अलवर जा रही हैं ये, और अभी ये बस स्टैंड पर मौजूद हैं, उसके बाद यहाँ से राखी बांधने के लिए अपने भाइयों के लिए अलवर के लिए जा रही हैं। और भी महिलाएं यहाँ पर लगातार मौजूद हैं, तमाम जो महिलाएं हैं वो आप देख सकते हैं। और भी महिलाओं से हम बात करेंगे। हेमंत, की किस तरह से जो आज नजर आ रहा है कहाँ जा रही है? नगर के राखी बांधने के लिए जा रही है। तो रोडवेज बस फ्री है आज भाई के लिए राखी बांधने, क्या कहेंगे? रक्षाबंधन के त्यौहार पर क्या कहेंगे लोगों को? खुशी की बात है, अच्छा है। व्यवस्थाएं कैसी है आज के दीपक? व्यवस्थाओं से संतुष्ट है महिलाएं? व्यवस्थाएं कैसी है बस स्टैंड पर? नहीं, अच्छी है व्यवस्थाएं। कोई किसी प्रकार की कोई कमी आने जाने में? महिलाओं को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो रही है, महिलाएं भी खुश हैं दीपक। और बने रहिए हमारे साथ में, मैं फिर से आपका रुख करूंगा और एक बार फिर हम आपको लिए चलते हैं सिंधी कैंप बस स्टैंड पर, जहां पर बड़ी तादाद में महिलाएं हैं क्योंकि राजधानी का मुख्य बस अड्डा है और आसिफ वहां पर मौजूद है। आसिफ, और महिलाओं से अगर आप बात कर पाए, जान पाए व्यवस्थाओं को लेकर के, जो फ्री निःशुल्क यात्रा का तोहफा है उसे लेकर के क्या उनका मानना है? बिल्कुल, बहुत सारी महिलाएं हैं राखी के दिन पर जो है आज अपने भाइयों के घर पर जा रही है रक्षाबंधन के लिए। कुछ नौजवान लड़कियां भी हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। कहाँ जा रही हैं आप मैडम? एक से कहाँ जा रही हैं आप? ये मतलब बेटी कहाँ जा रही हैं? जी सर, मैं जा रही हूँ रोहतक, अच्छा, हरियाणा। राज्य का, राज्य से बाहर जा रही है जी, लेकिन आपको राज्य के अंदर आज यात्रा फ्री है? ये मुझे मालूम नहीं, पर मेरा घर रोहतक है, हरियाणा। तो राखी को लेकर आज आप राखी बांधने के लिए जा रही है? विद स्वीट्स, विद स्वीट्स, भाई के पास, भाई के पास। और आपको हरियाणा तक जो है राज्य की सीमा के अंदर सफर फ्री मिलेगा, इस पर आप कुछ प्रतिक्रिया देंगी राज्य सरकार? ये बहुत अच्छा इनिशिएट है और इट्स रियली गुड, मुझे मालूम नहीं था, अभी आपसे ही पता चला, थैंक यू फॉर द इन्फॉर्मेशन। बहुत सारी महिलाएं या जो आउटसाइडर्स हैं वो ऐसे हैं, उन्हें पता नहीं है कि आज जो है वो यात्रा फ्री है, लेकिन जो चूंकि जो लोग राजस्थान की रहने वाली है उन्हें पता है कि यात्रा फ्री है। और जो हरियाणा की तरफ जा रही है महिलाएं, जो दिल्ली की तरफ जा रही है, मध्य प्रदेश की तरफ जा रही है, उत्तर प्रदेश की तरफ जा रही है, उन्हें राज्य की सीमा तक जो है वो फ्री है। जैसे राज्य की सीमा के बाद में दूसरा राज्य शुरू होता है वहां पर उनका किराया लगता है। बिल्कुल आसिफ, चलिए बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। दीपक, आप जुड़े, आपका भी बहुत शुक्रिया। कुल मिलाकर के प्रदेश भर में महिलाओं में उत्साह है, सरकार का शुक्रिया अदा कर रही हैं कि रक्षाबंधन के दिन हमेशा की तरह इस बार भी फ्री यात्रा का